में कोई ना कोई परेशानी आ जाती थी, लेकिन कॉलेज में ध्रुव आराम से अपना ध्यान अपनी पढ़ाई और अपने बिजनेस वेंचर्स पर लगा सकता था। कॉलेज का एनवायरमेंट अच्छा था, इसलिए वहां पढ़ने में मन भी लगता था। ध्रुव भले ही अब एग्जाम दे सकता था, लेकिन उसके फाइनल एग्जाम्स बस 15 दिन बाद ही थे। पूरे सेमेस्टर का सिलेबस उसे इन्हीं 15 दिनों में खत्म करना था, ताकि वो फाइनल एग्जाम के वक्त कुछ लिख पाए। स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज में एग्जाम के लिए कड़े नियम थे। हर सेमेस्टर का एग्जाम मुश्किल होता था और हर एग्जाम में स्टूडेंट्स को मुश्किल से मुश्किल पेपर बनाकर दिया जाता था। वहां पर रटने से काम नहीं चलता था। एग्जाम में कई तरह के क्वेश्चन आते थे, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग, थियोरी बेस्ड और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। बिना कंसेप्ट को पढ़े इन एग्जाम को निकालना मुश्किल था। स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज में अगर कोई स्टूडेंट किसी सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट में भी फेल हो जाता तो उसके लिए मुसीबत हो जाती थी। एक बार फेल होने पर 2 मौके दिए जाते थे, लेकिन ये दोनों मौके तभी मिलते थे जब अगले साल उसी सब्जेक्ट का एग्जाम होता था। फेल होने वाले स्टूडेंट को अपने जूनियर के साथ बैठकर एग्जाम देना पड़ता था, और ये अपने आप में बड़े शर्म की बात थी। स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज अटेंडेंस को लेकर भी काफी स्ट्रिक्ट था। मिनिमम 75% अटेंडेंस जरूरी थी, और अगर किसी स्टूडेंट की इससे 1 पॉइंट भी कम होता था तो उसे एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाता था। कई स्टूडेंट ने दिमाग लगाया और मुश्किल एग्जाम को हल करने के लिए चीटिंग का सहारा लिया, लेकिन उसमें भी कई रंगे हाथों पकड़े गए। चीटिंग करने वाले स्टूडेंट को सेमेस्टर दोबारा रिपीट करना पड़ता था। कोई स्टूडेंट 2 बार चीटिंग करते हुए पकड़ा जाता तो उसकी डिग्री कैंसिल हो जाती थी और उसका एडमिशन भी रद्द कर दिया जाता था। चीटिंग को लेकर स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज बहुत स्ट्रिक्ट था। ध्रुव एक एवरेज स्टूडेंट था, लेकिन वो हमेशा अपने मार्क्स को इम्प्रूव करने के बारे में सोचता था। स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज में कंपटीशन इतना ज्यादा होता था कि ध्रुव के लिए कभी कभी एग्जाम कम्पीट करना मुश्किल हो जाता था, इसलिए उसके मार्क्स भी कम ज्यादा होते रहते थे। ध्रुव फिलहाल तो कभी किसी सब्जेक्ट में फेल नहीं होता, लेकिन वो नहीं चाहता था कि उसका रिजल्ट बिगड़े। हीरा चंदानी ग्रुप में जितने भी लोग लीडर बने थे, उन सभी के पास अच्छी खासी क्वालिफिकेशंस थी। ज्यादातर लोगों ने दुनिया की कुछ सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज से अपनी पढ़ाई की थी, और उनकी पढ़ाई की वजह से ही बिजनेस को इतना एक्सपेंड किया जा सका था। रवीश हीरा चंदानी IIM के स्टूडेंट रह चुके थे। ध्रुव से भी यही एक्सपेक्टेड था कि उसका एकेडमिक रिजल्ट बेस्ट रहे। ध्रुव के लिए रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट था, इसलिए डिस्चार्ज होने के दूसरे दिन से ही उसने कॉलेज ज्वाइन करने का फैसला किया था। उसे आज से ही पढ़ाई शुरू करनी थी, तब जाकर अगले 15 दिनों में उसका सिलेबस कंप्लीट हो पाता। ध्रुव ने अपनी सभी क्लासेस को अटेंड किया था, लेकिन ऑनलाइन और ऑफलाइन में काफी अंतर होता है, इसलिए अभी भी उसके कुछ कंसेप्ट्स क्लियर नहीं थे, जिन्हें ठीक तरह से समझना बहुत जरूरी था। ध्रुव को अपना कॉलेज और बिजनेस वेंचर दोनों के बीच में बैलेंस बनाना था, ताकि दोनों में से कुछ भी ना छूटे। ध्रुव की माँ ने उससे पूछा, क्या तुमने अपनी दवाइयां ले ली है? ध्रुव ने कहा, हाँ माँ, मैंने दवाइयां रख ली है। मुझे पता था कि आपको मेरी चिंता जरूर होगी, इसलिए मैंने पहले ही दवाइयां रख ली थी। ध्रुव की माँ ने उससे कहा, कॉलेज में अपनी दवाइयां लेना मत भूलना, और उन्हें बिल्कुल ठीक समय पर लेना। तुम पढ़ने जा रहे हो, लेकिन अपनी हेल्थ को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना। एक बार वाइस चांसलर से भी बात करूंगी मैं, ताकि तुम्हारी कंडीशन के बारे में उन्हें बता सकूं। ध्रुव ने कहा, माँ आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूं। आप मेरे बारे में सोचती रहेगी तो ऑफिस में काम कैसे करेंगी? वहां भी तो आपकी जरूरत होगी, मैं मैनेज कर लूंगा। और जहां तक वाइस चांसलर सर की बात है, तो मैंने उन्हें ईमेल करके सब कुछ बता दिया था, और उन्होंने मेरे ईमेल का रिप्लाई भी किया है। उनके पावर में जो भी होगा उसको लेकर वो मेरी मदद जरूर करेंगे। ध्रुव की माँ ने कहा, वो सब तो ठीक है, पर तुम इतने दिनों से हॉस्पिटल में एडमिट थे, इसलिए तुम्हारी पढ़ाई में तो गैप आ गया है। मैं नहीं चाहती कि इन सब की वजह से तुम्हारे रिजल्ट में कोई गड़बड़ी हो जाए। ध्रुव ने कहा, आई आप इस बार देखना, मेरा रिजल्ट पहले से काफी अच्छा होगा। मैं इस बार पहले से ज्यादा मेहनत करूंगा, और मुझे उम्मीद है कि इस बार का रिजल्ट अच्छा ही रहेगा। मैंने अपनी क्लासेस मिस नहीं किया है, इसलिए पढ़ाई में ज्यादा गैप नहीं आया है। कुछ दिनों में मैं रिकवर कर लूंगा, और उसके बाद बस मुझे सिलेबस को रिवाइज करना है। इसके लिए 15 दिन काफी है। आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं अच्छे से पढ़ लूंगा और मेरा रिजल्ट अच्छा ही रहेगा।
ध्रुव की आई ने कहा, ठीक है, तुम कहते हो तो मैं तुम्हारी बात पर भरोसा कर लेती हूँ। पायल और नीरज को मेरा हाय कहना। मैं कोशिश करूंगी कि ऑफिस से जल्दी आ जाऊं ताकि हम लोग टाइमली घर पहुंच जाए। 2 घंटे की ड्राइव के बाद ध्रुव की माँ ने उसे उसके कॉलेज छोड़ दिया और वहां से अपने ऑफिस के लिए निकल गई। वहां से उनका ऑफिस थोड़ा दूर था, लेकिन अभी सिर्फ 8 बजे थे, इसलिए समय रहते वो अपने ऑफिस पहुंच जाने वाली थी। ध्रुव को इतने दिनों बाद कॉलेज में आता देखकर कई लोग हैरान थे। कुछ लोग जहां ध्रुव से खुलकर मिल रहे थे, उससे बात कर रहे थे, वहीं कुछ लोग ध्रुव को देखकर ज्यादा खुश नहीं थे। ये सभी हाई सोसाइटी के स्टूडेंट थे जिनके दिमाग में ये बात थी कि ध्रुव की वजह से ही शिल्पा को कॉलेज छोड़ना पड़ा। ध्रुव लंबे समय से कॉलेज से दूर था, इसलिए उसे नहीं पता था कि कॉलेज में कैसा एनवायरमेंट है। इतने समय में काफी कुछ बदल गया था। हाई सोसाइटी के स्टूडेंट अब दूसरे स्टूडेंट से अलग रहने लगे थे। देव अभी भी कॉलेज में पॉपुलर था और लोग उसकी बात सुनते थे। कॉलेज में उसने सभी हाई सोसाइटी स्टूडेंट को बताया कि किस तरह ध्रुव की वजह से शिल्पा को बेइज्जत होना पड़ा। ध्रुव ने बड़ी चालाकी से अपने स्टेटस का फायदा उठाया और कुछ सबूत को कोर्ट में पेश करके शिल्पा को झूठा साबित कर दिया। इसके बाद मीडिया ने बची कुची कसर पूरी की और शिल्पा के नाम पर तरह तरह की बातें अखबारों में छपने लगी। शिल्पा की फैमिली शहर में फेमस है, इस वजह से उसे टारगेट करना आसान था। मुंबई में हर किसी को गुप्ता परिवार के बारे में पता था, इसीलिए शिल्पा का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया। अंत में शिल्पा अपनी फैमिली के दबाव में आकर देश छोड़कर लंदन चली गई। देव ने अपने सभी दोस्तों को ध्रुव के खिलाफ भड़काया था। उन सभी का प्लान था कि किसी तरह ध्रुव को कॉलेज से बाहर निकाला जाए। शिल्पा के जाने के बाद देव की जिंदगी अजीब सी हो गई थी। उसे लग रहा था कि ध्रुव ने उससे उसका सब कुछ छीन लिया था। एक तरफ लाख कोशिश करने के बावजूद भी पायल उससे बात नहीं कर रही थी। देव पायल को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, इसलिए वो रोज पायल से मिलने और उससे बात करने की कोशिश करता था। अब तक उसकी कोशिश नाकामयाब रही थी। दूसरी तरफ शिल्पा ने भी देव से बात करना बंद कर दिया था। लंदन जाने के 1 महीने बाद भी उन दोनों के बीच में कोई बात नहीं हुई थी। देव हर दिन शिल्पा को फोन करता था, लेकिन शिल्पा ने कभी उसका फोन नहीं उठाया। देव को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी कि लोग उसे इग्नोर कर रहे थे। खैर, ध्रुव को इन सब की आदत लग चुकी थी, इसलिए वो बिना किसी से कुछ कहे अपने क्लासरूम की तरफ चला गया। क्लास में भी सभी लोग ध्रुव को देखकर थोड़ा सरप्राइज हुए थे। जितना उन लोगों को पता था, उस हिसाब से ध्रुव को ठीक होने में 2 महीने का वक्त लगने वाला था। उसने कॉलेज में अपने एग्जाम को बाद में देने के लिए अप्लाई किया था। प्रोफेसर्स भी जानते थे कि ध्रुव को काफी चोटें आई थी, इसलिए उसे ठीक होने में थोड़ा समय तो लगता ही। ध्रुव को देखकर प्रोफेसर काफी खुश हुए और उन्होंने उससे कहा, काफी अच्छी बात है कि तुम वापिस आ गए, अब हमारी क्लास बोर नहीं होगी। आई होप कि जल्द तुम हम सबको अपना प्रेजेंटेशन दोगे ताकि मैं तुम्हें इंटर्नस के लिए मार्क दे सकूं। ध्रुव के दिमाग में से ये बात बिल्कुल निकल गई थी कि उसे हर सेमेस्टर के लिए प्रेजेंटेशन देनी पड़ती थी, और वो भी हर सब्जेक्ट के लिए। कुछ सब्जेक्ट में प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती थी। ध्रुव के लिए प्रेजेंटेशन बनाना कोई बड़ी बात तो नहीं थी, लेकिन अब उसके पास समय काफी कम था, इसलिए इतने कम समय में सभी सब्जेक्ट्स की प्रेजेंटेशन बनाना थोड़ा मुश्किल था। ध्रुव ने प्रोफेसर से कहा, जी सर, मैं इस हफ्ते के एंड तक अपने सभी सब्जेक्ट्स की प्रेजेंटेशन दे दूंगा। प्रोफेसर ने ध्रुव से कहा, दैट्स ग्रेट, चलो तुम अपनी सीट पर जाकर बैठ जाओ और हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। ध्रुव को उम्मीद नहीं थी कि उसका पहला दिन इतना बिजी रहेगा, लेकिन उसके पास अपने पेंडिंग काम निपटाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। लंच ब्रेक में नीरज और पायल ध्रुव को ढूंढते हुए लाइब्रेरी पहुंच गए, जहां ध्रुव अपनी प्रेजेंटेशन में लगा हुआ था। नीरज ने कहा, कम ऑन यार, तुम इतने दिनों बाद कॉलेज वापिस आए हो और एक बार फिर से किताबों और अपने काम में लग गए। लंच हो चुका है तो चलो कैंटीन चलते हैं, वहां कुछ खा लो, उसके बाद अपने काम में दोबारा लग जाना। ध्रुव को काम करते करते याद ही नहीं रहा कि कब पीरियड खत्म हो गया था। अपना सामान उठाते हुए उसने कहा, हाँ चलो, बहुत समय हो गया कैफेटेरिया देखे हुए, तुम लोगों से बातें किए भी तो काफी समय हो गया है। कैंटीन में ध्रुव अपने सभी दोस्तों के साथ बैठकर लंच कर रहा था, तभी वहां देव अपने दोस्तों के साथ आया और उसने अपने दोस्तों से कहा, देखो तो दोस्तों कैसे दिन आए हैं,
हम लोग एक क्रिमिनल के साथ बैठकर लंच कर रहे हैं। मैं नहीं जानता था कि हमारी कॉलेज के लोग इतने बेशर्म हो गए हैं। आकाश देव की बातों को सुनकर गुस्से में आ गया और उसने देव से कहा, किसको क्रिमिनल कह रहे हो तुम? मेरे दोस्त को कोर्ट ने क्लीन चीट दे दिया है। सब जानते हैं कि शिल्पा कॉलेज छोड़कर क्यों गई है, क्यों उसकी फैमिली चुपचाप बैठी हुई है। शायद तुम नहीं जानते, लेकिन किसी बेगुनाह के ऊपर झूठे आरोप लगाना और उसे बेइज्जत करना एक अपराध है, किसी के भी हो। पर आरोप लगाने से पहले उसके बारे में अच्छे से सोच लेना चाहिए। देव आकाश की बातों को सुनकर हंसते हुए बोला, कोर्ट पुलिस वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम्हारे बीच बैठा ये आदमी एक नंबर का झूठा है। इसने तुम सबसे झूठ बोला है, इतना बड़ा झूठ कि अगर तुम सबको इसके बारे में पता चल जाए तो तुम सब इसे छोड़ दोगे। तुम्हें लगता है कि ध्रुव एक सच्चा और ईमानदार इंसान है, लेकिन ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ध्रुव तुम सबको धोखा दे रहा है और उसके साथ ही उसने कोर्ट को भी धोखे में रखा है। चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, और जब तक इसकी असलियत लोगों के सामने नहीं आ जाती मैं चुप नहीं बैठने वाला। ध्रुव को पता था कि देव की सभी बातें खोखली है और उनमें सच्चाई नाम की कोई चीज नहीं है। ध्रुव ने अपने आप को शांत रखा और आकाश को समझाते हुए कहा, आकाश लड़ने से कोई फायदा नहीं, तुमने सुना नहीं, इन लोगों को किसी का डर नहीं। बहस करने से सिर्फ समय बर्बाद होगा और वो हमारे पास नहीं है। देव और गुस्से में आ गया और उसने कहा, चुपचाप यहां से चले जाओ ध्रुव, तुम्हारे लिए इस कॉलेज में कोई जगह नहीं। यहां पर अच्छे लोग पढ़ते हैं और तुम यहां का माहौल खराब कर रहे हो। ध्रुव अपनी जगह से उठा और उसने अपना लंच पैक करके अपने बैग में रख लिया और वहां से जाने लगा। तभी कैफेटेरिया में आवाज आई। ये आवाज वाइस चांसलर की थी और सभी ने सुना, देव इसी वक्त मेरी ऑफिस में आओ। क्या ध्रुव अब सच में कॉलेज से जाने वाला था? जानने के लिए सुनते रहिए द लीडर सिर्फ पॉकेट FM पर।